हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर में। आज फाइनली एक अपडेट आया हुआ है कार फॉर सेल सिमुलेटर में, काफी लंबे टाइम के बाद, जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब आएगा, लेकिन फाइनली आ चुका है, उसको हम लोग देखने वाले। बट उससे पहले पता है मेनली अपडेट में क्या बड़ी चीज है? एक मैप आया हुआ है, बट उसके अलावा बड़ी चीज पता क्या है? वो है ये मेन मेन्यू। अब इतना लंबा इंतजार करके अगर आप मेन मेन्यू, यार ये क्या बकवास है ये है यार, मतलब क्या समझ के दे दिया इन्होंने ये? मतलब पता है अपडेट यही है जो आपको दिख रहा है ना, ये है। तो फिलहाल अब यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यही अपडेट है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, मतलब इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, तो चुपके से कर लो, तुम बताओ भी मत कि अपडेट है ये। हम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ कुछ चीजें चेंज हुई है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं काम की, जैसे कि माय स्टैट्स में अगर जाएं तो हमको हमारी गाड़ियों के नाम दिख रहे हैं, और यही मेरे पास अभी गाड़ियां हैं। तब अगर अपडेट आता जब मेरे पास 50 गाड़ियां थी, 50 ऑडी R8 थी मेरे पास, सारी की सारी गाड़ियां थी, तो हमको यहां से ना पता चलता कि मेरे पास क्या क्या चीज। यहां पर हमारे पास एक्सपेंसिव मैं भी दिखा रहा है चीजें, और चीप में ओ सॉर्ट कर रहा है। यार मुझे लगा कि सिर्फ चीप वाली कार्स दिखा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि चीप में भी मेरी सबसे एक्सपेंसिव कार आ रही है यहाँ पे, ये वाली फरारी, और एक्सपेंसिव में भी यही वाली कार आ रही है, ये क्या चक्कर है? लेकिन ये पता नहीं चल रहा, लेकिन कैसे सॉर्टिंग सिस्टम है ना, ये एक्सपेंसिव वाइज सॉर्ट कर रहा है। सबसे सस्ती मेरे पास डॉज चार्जर है, ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव ये है, फिर ये है, फिर निसान GTR है, फिर ऑडी R8 है, फिर माजडा RX है। माजडा सस्ती है क्या इससे ऑडी R8 से? ओह मेरे को नहीं पता था, मतलब मैं आज पता चल रहा है मेरे को ऐसा भी कुछ है। उसके अलावा यहाँ पे ये सब देखो, बिग अपडेट इन्वेंटरी सिस्टम, पता नहीं पहले भी आ चुका है अब भी आ रहा, समझ नहीं आ रहा इसका। बिग अपडेट न्यू ड्रिफ्ट मैप ये आ चुका है, ओके दोनों चीजें आ चुकी है। बिग अपडेट न्यू UI वाला ना, कभी पता क्या हो रहा है जैसे पुराने टाइम के इंटरनेट में हम लोग कुछ चीजें डाउनलोड करते थे ना, एकदम से आगे गया, फिर पीछे से ऐसा लगता था यार पीछे चले गए, तो 90% हो चुका था, अभी 88 दिखा रहा है, वैसे ही हो रहा है। मैंने इसको यहां तक आते हुए देखा, फिर ये पीछे से फिर स्टार्ट होता है, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद बिग अपडेट न्यू ट्यूनिंग सिस्टम, अभी जब अपडेट आया था उसमें आया था कि ट्यूनिंग सिस्टम आ जाएगा, लेकिन यहां भी 0% है, मतलब कि काम करना सोचा नहीं उन्होंने, सोचा है सिर्फ कि अपडेट दे देंगे ये वाला, एक कुछ भी काम नहीं हुआ इस पे, 0% दिखा रहा है। पेट सिस्टम 100% है, बट कौन सा वाला पेट सिस्टम है, कहां पर हमको ये पेट मिलेगा, कोई आता पता नहीं है। मुझे लग रहा है ये ना गलती से ये वाला था, जिम सिमुलेटर वाला, उसमें हम लोग पेट पाल सकते हैं ना, वो वाला है, ये यहां पर दिखा दिया उन्होंने पता नहीं क्यों। ब्लैक जैक सिस्टम न्यू वाला आ रखा है, ठीक है। प्लेयर लेवल सिस्टम, रेंट अ कार सिस्टम, ये दोनों फालतू कैप, तो कुछ खास है नहीं इसमें। फिलहाल हम लोग फिर भी चलते हैं, DLC का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, सुपर स्पोर्ट्स वाला, ये अभी तक आया नहीं है, मतलब ये आएगा तो मैं इसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि आए, देखें जरा क्या होने वाला है। फिलहाल आप लोग टेंशन ले रहे थे जब मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 0 to 1 million तक का सफर तय किया था एक हफ्ते में, तो वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने जाके नहीं देखी तो इसको जाके एक बार देख लेना, बहुत तगड़ी वीडियो है, बस व्यू नहीं आया उसमें। ओके तो अभी ना, हाँ तो उसमें आप लोग टेंशन ले रहे थे कि यार मैंने बैकअप वगैरह डिलीट कर लिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बैकअप मेरे पास है रखा हुआ। तो आज हम लोग अपना पुराना वाला ही जो हमारा चलता आ रहा है, जिसमें हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, वही वाला हमारे पास ये बैकअप है, और यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें शायद टेस्ट करी भी थी इसमें, तो अभी ना इसको यहीं पर छोड़ते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं घर सोने के लिए। शुरुआत ही रात से हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है मेरा गेम्स के साथ, जब भी कोई गेम खेलता हूं या तो उसमें बारिश हुई रहती है या फिर रात हुई रहती है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इंट्रो दे रहा होता ना तो उस टाइम पे गेम अच्छा दिखे, और हमेशा उल्टी सीधी चीजें हो ही रहती है, पता नहीं क्यों। डे चल रहा है हमारे 1102, और पैसे तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं कितने हैं। अभी ना जो नया अपडेट आया उसके बाद से गाड़ियां बहुत फास्ट इन लोगों ने बना दी है, कंट्रोलिंग थोड़ा सा बेटर शायद हो गई है अभी, तो एक बार थोड़ा कंट्रोल करके देखते हैं गाड़ी को कि कैसी चल रही है गाड़ी, है ना, थोड़ा चला के देखते हैं, फील लेते हैं गाड़ी की। निसान GTR बहुत फास्ट गाड़ी है, बिना टकराए चलाना बहुत चैलेंज वाला काम है इसको। ये गाड़ी लालच ही देती है कि तुम तेज चलाओ मुझको, और जैसे तेज चलाते हैं ना तो कहीं ना कहीं ठुक जाती है, बट हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको चलाने वाले। अभी जब से मैंने 4G में व्हील से चला रहा हूँ ना, मेरी ड्राइविंग कीबोर्ड वाली भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई, मतलब सही हो चुकी है। मैं मतलब पहले कीबोर्ड में क्या करता था, रेस वाला दबाए रखा बस, उसी के हिसाब से वो करता था, अभी थोड़ा फिक्स, अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है, जबकि कीबोर्ड से खेल भी नहीं रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई अच्छी वाली कार है क्या, ऑडी R8 मेरी यहाँ भी पड़ी हुई है, ये लो, ये कौन सी गाड़ी है, नहीं कुछ खास गाड़ियाँ तो नहीं है। इसको एक सेकंड में ऑडी R8 को ना यहाँ से हटाता हूँ, मुझे लग रहा है आज हम नए मैप में जाएंगे ना वहाँ पे ये ऑडी R8 काम आ सकती है। मेरी गाड़ी की हालत तो देखो यार कितनी गंदी है, और बूस्ट दबा के तो गाड़ी एकदम गोली बन जाती है। बट एक चीज़ पता है, ये देखो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मेरे पास BMW Z3 थी ना,
वो भी ऐसे कुछ लॉन्च था, उसका इतना बुरा भी नहीं था, मतलब वो इतनी सस्ती कार है इसके कंपैरिजन में, 100 कार आ जाएंगे निसान GTR के कंपैरिजन में वो वाली, बट उसके बाद भी वो कार भी कुछ स्लो नहीं है, मतलब बहुत फास्ट है वो गाड़ी। एक बार ट्यूनिंग सिस्टम देखते हैं इनका, ट्यूनिंग सिस्टम कब आएगा, और पेट का कहाँ है, कहाँ लापता हो गया पेट, वो पेट सिस्टम आ तो गया लेकिन कहाँ पे यार, मुझे दिख क्यों नहीं रहा वो पेट वाला। ये पता पेट वाला एक बार पहले भी आया था, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहीं तो मुझे सड़क पर चलता हुआ कुत्ता दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है पेट के साथ में यार। ओके तो चलिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट किट डालूँ क्या इसमें मैं आज, ड्रिफ्ट किट डाल लेता हूँ यार, ये बहुत ना ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, इससे ड्रिफ्ट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, और वो भी कीबोर्ड के साथ में, फिर भी ट्राई करेंगे हम लोग। और इसको एक बार थोड़ा ना धो लेते हैं यार, मुझे खुद ही धोना पड़ेगा, चमकाते हैं इसको, इसको लेके चलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वाले मैप में एक चक्कर मार के आते हैं। उसके बाद एक नया मैप भी आया हुआ है, मुझे देखना है कि वो कहाँ पे है, क्या वो जो रेड वैली करके मैप था उसके अंदर है या फिर कहीं और है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो मल्टीप्लेयर वाला मैप है शायद यार, वो मल्टीप्लेयर भी इसमें आ चुका है, बट पता नहीं कि कौन खेलेगा मल्टीप्लेयर में इसको, क्योंकि मल्टीप्लेयर में ना इस टाइप के गेम लोग उतना नहीं खेलते यार, कि तुम मल्टीप्लेयर में खेल के साथ में गाड़ियां बेच रहे हो, मतलब ये तो अकेला बंदा कर ही लेगा ना मल्टीप्लेयर में, शायद पता नहीं इतना लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बट हाँ जो रेड वैली वगैरह है वहाँ पर ड्रिफ्टिंग करने के काम आ सकता है, वहाँ पर रेसिंग वगैरह कर सकते हो। और ये मेरी स्पेशल कार है जो मेरे को मिली थी, सेंटा ने गिफ्ट करी थी मेरे को, इसको एक बार मैं साइड लगा लूँ जरा, क्योंकि मुझे अपनी निसान GTR लेके जानी है यहाँ से। एक बार ना रेड ये क्या हो रहा है, ओ ड्रिफ्ट किट है ना उसकी वजह से हो रहा है यार, मैं वही सोचूं कि अभी अपनी गाड़ी अजीब बिहेव करने लगी, इस गाड़ी में ड्रिफ्ट कौन करेगा 300 की स्पीड में यार, और वो भी ऐसी रोड में। और यहाँ पर ना ये ट्यूनिंग सिस्टम उतना कुछ सही भी नहीं है कि आप प्रॉपर ड्रिफ्ट कर पाओ, नहीं वैसा कुछ सिस्टम नहीं होने वाला है। तो जब हम लोग ड्रिफ्ट करेंगे ना, मैं इसको मैनुअल गियर पर डाल दूंगा ताकि हम लोग आराम से कंट्रोल कर पाए, पता चला ड्रिफ्ट कर रहे हैं और गाड़ी 200-300 भागने लग गई, फिर ड्रिफ्ट नहीं होने वाला है ना। एक बार यहाँ पर देख के आता हूँ मैं, इस बंदे से पता करके आता हूँ, ये मेरे को लग रहा है डेवलपर, इसका मुंह हमेशा लटका रहता है। मेरे पास इतना सारा सामान है बेचने को, बेच दिया। ओके न्यू ब्लैक जैक सिस्टम, नया वाला, ओके मैं समझ चुका हूँ, ये पोकर टाइप का वैसा कुछ हो गया है, ये सिक्के टाइप के आ गए ना इन लोगों के पास। हाँ ओके चलिए फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। गाइज यहाँ पर कुछ है नहीं खास देखने को, तो अभी हम लोग रेड वैली चलते हैं एक चक्कर, थोड़ा ना ड्रिफ्ट ट्राई करके आते हैं, उसके बाद हम लोग वो जो नया वाला मैप है ना उसको देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रेड वैली में ही हो सकता है, अगर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा यार, मल्टीप्लेयर में, मतलब हमको बैक जाना पड़ेगा। हो सकता है ड्रिफ्ट तो के तो मुझे आसार लग नहीं रही, ये गाड़ी ड्रिफ्ट मारेगी, ट्राई करते हैं फिर भी है ना, वो धुआं वाला ड्रिफ्ट तो यहाँ पर नहीं होने वाला, फिर भी एक बार ट्राई करके आते हैं रेड वैली में थोड़ा सा, कि क्या पता हम लोग ड्रिफ्ट मार पाए इससे। आई होप कि यार ये बग ना हो, यहाँ पर कुछ बग भी है ना यहाँ पर कि गाड़ी गेम बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ओके फर्स्ट गियर डाला मैंने, ओके शिफ्ट से गियर डालते हैं, ट्राई करते हैं ड्रिफ्ट करने का, ट्राई करते हैं ना, 75-80 की स्पीड में ड्रिफ्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं शायद, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं एक बार, अगर हो गया उतना वो मजा सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, शायद निशान, जबकि ड्रिफ्ट की बाप रे बहुत ज्यादा पावर है यार। हाँ थोड़ा बहुत स्मोक आ रहा है, जब स्मोक वगैरह आता है ना तो बहुत मजा आता है, मतलब तब लगता है कि एक्चुअल में यार ये गाड़ी ना स्पिन हो जा रही बहुत, आगे एक टर्न आ रहा है वहां पे, एक बार ट्राई करते हैं ड्रिफ्ट करने का। बैक चलते हैं यार, एक बार ऑडी R8 लेके आते हैं, वो वाली गाड़ी से ना ड्रिफ्ट होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई मैप नहीं है, वही वाला मैप है जो था। तो अभी हम लोग बैक टू टाउन चलते हैं, जल्दी से ऑडी R8 लेके आ रहा हूँ मैं एक बार ड्रिफ्ट किट लगा के उसमें, और अब डालते हैं इसको मैनुअल पे, स्टार्ट करते हैं इंजन, फर्स्ट गियर डालते हैं। अबे तुम लोग मत आओ बीच में यार, वो ड्रिफ्ट कर रहा है क्या बंदा, एक बार मेरे को देखना है कि ये लोग कैसा अच्छा ड्रिफ्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग भी ट्राई करेंगे, इससे शायद उससे बेटर ड्रिफ्ट होगा, मेरे को देखना है एक बार यार। मुझे लग रहा है ना, अब देखो पता है कीबोर्ड से, अभी मैं कीबोर्ड से भी मैंने ड्रिफ्ट करने का ट्राई किया था पहले, और अभी मैंने फोर्ज़ा होराइज़न 5 में ना मैंने व्हील से भी ट्राई किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है व्हील से ना गाड़ी चलाना भी और ड्रिफ्ट करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब आप इससे कर रहे हो ना ड्रिफ्ट, तो क्या होता है ड्रिफ्ट में पैडल का बहुत वो होता है,
बहुत बड़ा रोल होता है उसके डायरेक्शन चेंज करने में, और स्टेयरिंग का काम भी पैडल ही कर लेता अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से करो। अब यहाँ पे क्या है कि आप हाफ तो कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं करोगे, झटके से ही होता है, तो वो कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो? मतलब आप चाहो कि थोड़ा सा कम स्पीड दो, गाड़ी कंट्रोल में रखो, वो हो नहीं पाता। वो आराम से आप पैडल के साथ उसके साथ कर सकते हो, व्हील के साथ में, यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाती, थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है ड्रिफ्ट करना कीबोर्ड में, बट बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि इससे क्या बेटर हो रहा है, उससे मुझे लग रहा है उससे थोड़ा सा बेटर शायद होगा इससे, क्योंकि होता है ना कि हर गाड़ी पर डिपेंड करता है। स्पिन हो जा रही यार, मैं ज़्यादा एक्सेलरेट कर दे रहा हूँ यार, ज़्यादा पैडल पे वो डबल दे रहा हूँ, हाथ डब्ल्यू की से हाथ हटे तब ना, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। मुझे पता, जब हम लोग कीबोर्ड से ड्रिफ्ट करते हैं तो मुझे, हमको ना दबाए नहीं रखना होता है डब्ल्यू की, हमको बार बार उसको ऐसे हल्का ऐसे ऐसे करना होता है, जो कि मेरे को आदत नहीं है। अरे बाप शिट, पीछे लेके चलते हैं इसको एक बार। हाँ कंट्रोल हुआ था, अभी पहले से काफी बेटर हुआ था, बट मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। मुझे लग रहा हमारा रिकॉर्ड ना वहाँ बना हुआ है खुले मैदान में, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं रोड में, है ना, वहाँ पर बना हुआ होगा रिकॉर्ड, कभी उल्टी सीधी ना चाहते हुए भी ड्रिफ्ट हो गया होगा, तो वो वाला रिकॉर्ड हम तोड़ नहीं पा रहे यहाँ पर। दो सेकंड का था ना, हाँ 2 सेकंड का तो हुआ था। ओके चलिए, अभी हम लोग चल रहे हैं बैक टू टाउन। हम लोग पहले ना नया वाला मैप देख के आते हैं कि वो कैसा मैप है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। वो मेरे को लग रहा है कि मल्टीप्लेयर में हम लोग जाएंगे तो हम लोग उसको चेक कर पाएंगे, तो चलते हैं मल्टीप्लेयर में। उसके लिए शायद हमको मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इन्होंने ये सब इस तरीके से दे दिया। तो मल्टीप्लेयर में एंटरिंग द सर्वर, अब अगर एरर आ गई तो फिर कुछ कर नहीं सकता, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग कोई भी रूम ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ ये मैंने कर लिया। यहाँ पे ज्वाइन रूम का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा यार, रूम नेम तो हमको खुद क्रिएट करना होगा। ओके क्रिएट मैं कर रहा हूँ, लॉक क्रिएट रूम रेड वैली, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पर आ रही ना, दो जगह पर हम लोग मल्टीप्लेयर वाले कर सकते हैं। तो हम लोग जो नया मैप आया हुआ है ना, क्योंकि मेरे को जब स्ट्रीम पर देख रहा था, मुझे वही वाली पिक दिख रही थी वहाँ पर, जो हॉट व्हील टाइप का वो बना रहता है ना, बहुत अजीब सा रैंप सा वो। अब हमको गाड़ी सेलेक्ट करनी है, मस्टैंग करते हैं। मुझे लगता है कि बाकियों में तो ना हम लोगों ने ड्रिफ्ट किट डाला हुआ है। अब हम इसको ऑटो पर लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस टाइम के रैंप ना, मैंने गाड़ी बहुत कम चलाई हुई है, देखें एक बार ये कैसा है। ओके तो अगर हम लोग इसको इधर लेके चलें, इसमें भी ड्रिफ्ट किट डाला हुआ है क्या, मैंने पता नहीं मुझे लग रहा है कि शायद इसमें भी ड्रिफ्ट किट डाला हुआ हो। ओके तो हम लोग एक नीचे भी रास्ता दिख रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं क्या, ये एक रास्ता दिख रहा है। एक बार यहाँ पे होके आ रहा हूँ मैं, ये कौन सा वाला रास्ता है, ये वाला एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही है यहाँ पर। मेरे हाथ क्या हो गए शिट, मेरे हाथों में क्या हो गए, बाहर की लेयर निकाल दी क्या मैंने गोरा होने के चक्कर में, हैं मेरे हाथों को क्या हो गए, मेरे को अपना चेहरा देखना यार। ये सिमुलेटर गेम में हम लोग खुद को देख क्यों नहीं पाते, मुझे ये समझ नहीं आता। ये देखो मेरी गर्दन टेढ़ी बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ हूँ। तो अभी हम लोग इसको कहाँ पर लेके चलें, वो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता आई थिंक, हाँ इधर से रास्ता है, इधर से लेके चलते हैं इसको। ओके तो हम लोग अभी लेके जा रहे हैं इसको, देखते हैं कि कहाँ पर चढ़ना, हमको थोड़ा ऊपर चढ़ना है क्या हवा में, यहाँ पर वो भी है। ओह हम लोग वापस ऊपर आने के लिए यहाँ पर ना एक वो दिख रहा है मुझे, लिफ्ट टाइप की, जो कि रेड वैली में भी है। एक बार ट्राई करते हैं, वो भी चेक करके आते हैं कि वो क्या चीज़ है। फिलहाल हम लोग इसको लेके चलते हैं, ड्रिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन वही कि ड्रिफ्ट ना हो नहीं पा रही यार। ये देखो बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है, इसमें तो ड्रिफ्ट किट है भी या नहीं भी है मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है चला के इसमें ड्रिफ्ट किट है। इसमें भी हम लोग आसमान में चल रहे हैं, वहाँ से कूदेंगे अगर कूदने का ऑप्शन होगा। मेरे को देखना है कि ऊपर है क्या चीज़, वहाँ पर भी रैंप बना रेड्स करके लिखा हुआ है, वहाँ पर भी रैंप बना हुआ है या फिर वहाँ पर कुछ नहीं है। रात के टाइम पर मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पर अच्छा होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रात होगी नहीं होगी, क्योंकि रेड वैली में ना कभी रात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं रहते तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रात होगी या नहीं होगी, क्योंकि रात में इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, जो लाइट्स लगी हुई है। तो मेरी लाइट भी क्यों चली हुई यार। ओके अब बंद कर ली मैंने, यही है बस ऊपर यही है। ओ नहीं 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 यहाँ से कुछ है। ओ यहाँ पर चढ़ने का कैसे होगा, अरे हवा में पार्कोर करना है यहाँ पर, खतरनाक वाला। चलिए एक बार चल के देखते हैं, पहले यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं नीचे, और थोड़ा ना गाड़ी को कंट्रोल करना हल्का सा मुश्किल हो रहा है,
क्योंकि ड्रिफ्ट किट डला हुआ है तो गाड़ी मतलब स्लिप हो रही है। चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी? मस्टैंग में है इतनी ताकत? आराम से, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई। बस नीचे आ गए हम लोग। यार मुझे ना ऊपर चढ़ना है गाइस, बस बस बस, खुश मुझे ना ऊपर चढ़ना था यार। ओ ये वो नहीं है जो मैं करने वाला था, ये वो है। यहाँ से हमको बॉल्स वो पिंस गिरानी है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं। यहाँ पर ना निसान GTR का बहुत तगड़ा रोल होने वाला है रेस किट के साथ में। एक बार इसको लेके चलते हैं। अरे चक्कर से आ रहे हैं इसमें यार, क्या चल रहा है? ड्रिफ्ट की तो मैं कर ही नहीं रहा, ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? हाँ अब समझ में आया मुझे, लेकिन यार ये थोड़ा मुश्किल होगा पार्कोर सा करना है यहाँ पर गाड़ी से। अरे हवा में निकल ली गाड़ी। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऊपर कैसे चढ़ना है हमको। ये दिखा तो रहा है कहीं पे, नहीं यहाँ से तो नहीं है, इतना मुश्किल होगा क्या? अरे बाप रे, है यार। एक काम करते हैं हम लोग ना गाइस, क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो अभी ना मैंने कोई रूम ज्वाइन कर लिया है, शायद मैंने क्रिएट किया था वही वाला है। तो अब मुझे ये देखना है कि इसको पहले तो स्टार्ट करो। अरे इसमें भी ड्रिफ्ट किट है क्या? इससे रिकॉर्ड बन गया? एक सेकेंड, इसमें ड्रिफ्ट किट, यार मैंने सब में ड्रिफ्ट किट डाला हुआ है क्या? मुझे कोई वैसी गाड़ी चलानी थी ना यहाँ पे, मुझे एक बार पार्कोर सा करना था वो। ओ तो यहाँ पे ना एक अलग वाला सिस्टम है कुछ, ये यहाँ से हमको चढ़ना है, ये खतरनाक वाला कोई पार्कोर है, ये देख रहो। अब यहाँ पर यार ये इसका मेरे को ना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझसे मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है GTA में ये सब करते हुए, बट मुझे इसका ना बिल्कुल भी नहीं। और गाड़ी कंट्रोल हो पाएगी नहीं हो पाएगी कैसे? तो इन्होंने अपना पूरा लोगो को ही पार्कोर बना रखा है। मैं गाड़ी सही तो लेके आ रखा हूँ ना यहाँ के लिए, यार कंट्रोल करना ज़्यादा है यहाँ के। स्पीड तो गाड़ी में है इसमें भी, और बूस्ट उसका चक्कर था नहीं, इसमें बूस्ट है भी नहीं, तो मैं इसलिए वो वाली गाड़ी लाया नहीं। बस 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 बस, ओके। अब यहाँ से ना मुझे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तो ये है। ओ शिट, गिरने वाला गिर, नहीं अबे नहीं नहीं, शिट यार गिर गया मैं। ओके वापस उसी जगह आ चुका हूँ, इस बार थोड़ा ध्यान से चलाना है गाड़ी को। ऑलराइट एक सेकंड, इसमें इतनी जगह है ही नहीं क्या? अरे यार इसमें तो इतनी जगह है ही नहीं गाड़ी चढ़ाने की। वापस ट्राई करता हूँ, इस बार दूसरी जगह से ट्राई करूँगा। वो चौड़ा है ही नहीं उतना, मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा वहाँ पे। चलो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं वो देख के आ रहा हूँ कि क्या हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये गेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो ये टास्क वाले होते हैं ना, जब नहीं होते तो फिर दिमाग खराब होता है ना। अरे अरे अरे, कोई अपना ही सब्सक्राइबर है यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो चैट दिख रहे हैं आपको। ये ऐसा कुछ है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? ओके मैंने रूम क्रिएट किया हुआ, मैंने लॉक नहीं किया हुआ था, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यार मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ओके तो वापस से गाइस हम लोग ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे। मैंने ओ शिट, बच गया। यार इस गाड़ी की बस की बात नहीं है क्या? बैक चलते। यार ऑडी R8 अपनी सही थी क्या? ये तो यहाँ से जा ही नहीं पा रहा। बूस्ट दबाऊँ क्या? बूस्ट भी क्या करेगा यहाँ के लिए ना, वो गाड़ी सही थी यार, ऑडी R8 सही थी। ये तो जा ही नहीं पा रहा है, मुझे पता है। देखो इस गेम, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना हम लोग पार्कोर, ये वाला, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप ना डरोगे नहीं, आपको पता है कि आप कर लोगे। यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है डर खतरनाक वाला कि मैं नहीं कर पाऊँ। ओके अभी हम लोग आ तो चुके हैं गाइस यहाँ पे। उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, GTA की तरह खतरनाक वाले ना, जो बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने ट्राई करे हुए हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। बट ये भी मेरे लिए तो मुझे मुश्किल तो नहीं लग रहा, बट वो वहाँ पे थोड़ा सा टास्क हुआ था, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। इसमें पता है विड्थ नहीं है इसकी ज़्यादा। अबे शिट नहीं यार, कैसा हो रहा मेरे साथ में? अरे यार मेरे को ऊपर चढ़ना था। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, चलिए ठीक है। ऊपर से एक बार ट्राई करता हूँ कि देखता हूँ कि ऊपर क्या क्या था। वो वहाँ पे चढ़ने का बड़ा अलग सिस्टम है यार, वहाँ पे कैसे चढ़ा जाएगा? क्या जंप करनी होगी कहीं से, या फिर कुछ स्लाइम ब्लॉक्स लगे होंगे वहाँ पे, पता नहीं। बट वो कुछ अलग था वहाँ पे। अब मेरी गाड़ी मैनुअल कर दी क्या मैंने? नहीं मैनुअल नहीं है, गियर शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है।
बट पता है मेरे यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आ गए, हृदय मोदी, एविल, दिव्यांशु, दो लोग यहाँ पे आए, अभी तीन चार लोग और आए क्योंकि मैंने लॉक नहीं कर रखी थी, तो आराम से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये पूरी सिटी की, अबे यार ये गाड़ी बार बार पलट जाती है, वो कुछ तो दिखा था मुझे वहाँ पे, एक बार मेरे को देख के आना है कि क्या था वहाँ पे, तो सिटी टाइप की थी, मेरा दिमाग खराब हो गया ये काम कर, ये कर करके ना, ये गेम जब खेलते हो ना इस टाइप के तो फिर बहुत गुस्सा आता है तभी लोग फिर अपना कंप्यूटर वगैरह तोड़ते हैं, तो मुझे बचा के रखना अपना कंप्यूटर, मुझे नहीं तोड़ना। और सही में मैं बहुत बार मैंने ट्राई किया उसमें, लेकिन हर बार मैं गिर जा रहा हूँ उसमें, वही ये कह रहा आदत नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही चीज़ है। और ओ बिल्डिंग्स टाइप की बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पहाड़ भी बने हुए हैं, और यहाँ पर मतलब उनके पास देखो जो गेम के एसेट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं जो मॉडल्स टाइप के बने रहते हैं, वो उन्होंने हर चीज़ यहाँ पर रख दी है। सही है। वो मुझे एक बार बॉल वाला करना था। हम लोग एक बार बॉल वाला ट्राई करते हैं, तो एक बार हम लोग करने वाले हैं जंप आगे, क्योंकि जंप करने का कुछ है और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, तो वो मुझे दिख तो रही है बट वहाँ पे जाने का ना रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से है अभी हम लोग जाते हैं। मुझे ये तो यही अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पर आने का है किधर से। जंप करेगा यार, बूस्ट तो सही टाइम पर बूस्ट ख़त्म हो चुका अपना। ओ तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और जंप, अब एक ऐसा जंप था, कहाँ पहुँच गया मैं अलग ही दुनिया में। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग वो जो बॉल्स हैं उसको तोड़ेंगे, उसको कहाँ से गिराएंगे। एक तरीका तो है मेरे पास जुगाड़ है उसको गिराने का, वो उल्टी साइड से जाके आए, वैसे समझ में नहीं आ रहा कि किधर से होने वाला है। और काफ़ी बड़ा एरिया काफ़ी बड़ा है बट चीज़ें शायद उतनी बड़ी नहीं है। अब ये बॉल्स को गिराने का ना, मेरे को दिखा। हाँ, समझ में आ गया। एक बार ट्राई करते हैं, ये तो मैं गिराता ही हूँ अभी, ये तो है, ये हो जाएगा। रास्ता मुझे समझ आ रहा है थोड़ा। उधर से हमको रैंप में उतरना है, तो जंप नहीं करना। अभी यहाँ से जा सकते हैं बट जंप ज़्यादा नहीं करना मेरे को वहाँ पर। और यहाँ पर ना मुझे गाड़ी को रोक देना है, मैं अभी इसको धीरे लेके जा रहा हूँ। बस। अबे बस। अबे यार ये गाड़ी दिमाग खराब, ये क्या चल रहा है, ये गाड़ी स्पिन क्यों जा रही इतनी ज़्यादा। ओके इस बार इस वाली गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, यार ये हैंग सा हो गया यहाँ पे। धीरे धीरे करके जंप तो यहाँ से कर ही रहा है। बस। इतनी देर से मैं यहाँ पर आने का ट्राई कर रहा था, अब जाके फाइनली आ पाया हूँ। तो वो कुछ पार्कोर खतरनाक सा दिख रहा है यहाँ पर, इधर से उधर जाने का है। वैसे खतरनाक नहीं है बट मुझसे अभी हो नहीं पा रहा, तो हम उसको छोड़ते हैं ये। हाँ यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा। अरे यार मुझे बूस्ट बचाना है। अब करेंगे अब। एक ही दो गिरे, पता नहीं कितने गिरे यार, मुझे लगा मैं सेंटर वाले में मारूंगा सारे गिरेंगे बट नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ मुझे लगता है गाइस कि आज के एपिसोड हमको यहीं पे एंड करना चाहिए। जितना कुछ था हम लोगों ने एक्सप्लोर तो कर लिया। एक बार मैं कैमरा इसका चेंज करता हूँ। हाँ अरे यार इससे ज़्यादा दिखेगा नहीं। हाँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वैसे एक्सप्लोर करने को, बट ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी वाली चीज़ें हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि यार उसमें कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, अपग्रेड्स वगैरह हैं, ट्यूनिंग वाला सिस्टम आए बहुत जल्द का, क्योंकि जो इन्होंने ट्यूनिंग दिखा रखी ना फोटोज वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।